रायपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर विपक्ष ने कसा तंज, कहा प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है। रायपुर में महापौर और कलेक्टर ने किया स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण विकास के साथ जल्द कार्य करने के लिए दिए निर्देश। बालोद में बुद्ध पूर्णिमा पर हुआ विशेष आयोजन, मानव उत्थान सेवा समिति में दिया गया आत्मज्ञान। रायपुर में बीजेपी के प्रदर्शन को कांग्रेस ने बताया विफल, कहा गलत आंकड़े प्रस्तुत की है बीजेपी। जांजगीर में भी बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सरकार के आदेश का किया कड़ा विरोध। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। तो मोर छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। कांग्रेस की 3 दिवसीय चिंतन शिविर समाप्त हो गई है। इस चिंतन शिविर को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर पलटवार करते नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर कहा है कि इससे बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई है। युवाओं के हाथ में बागडोर सौंपी जाए, कांग्रेस जो कि खिसकती जा रही है, सिमटती जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाड़ी वह पर अटक जाती है जहां पर गांधी परिवार का नाम आता है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में बहुत सारी बातें निकल करके आई है और उसमें एक महत्वपूर्ण आया है कि युवाओं के हाथ में बागडोर सौंपी जाए, या इस मामले को लेकर के 23G के उनको किस प्रकार से पद से पदच्युत किया जा सके, एक तो ये बातें सामने आ सकती है। और दूसरी जो बातें हैं कि युवाओं के ऊपर जो जोर दिया गया है, उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से युवाओं को बागडोर सौंपा गया है और आज कांग्रेस जो खिसकती जा रही, जो सिमटती जा रही है, इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि गाड़ी वहीं अटक जाती है जब गांधी परिवार का नाम आता है, और गांधी परिवार के नाम आने के बाद ये सारे इनको जो नियम बनाए गए हैं, जो सारे बनाए जाते हैं, वो किनारे रख दिए जाते हैं। और इसके कारण में तो रायपुर नगर पालिक निगम के महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सहित नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ विकास कार्य का निरीक्षण किया है। साथ ही रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महापौर एजाज ढेबर ने अधिकारियों सहित सप्रे स्कूल मैदान विकास, स्कूल में लाइब्रेरी और प्रयोगशाला के विद्यार्थियों के विकास के कार्यों की प्रगति देखी और संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य सतत मॉनिटरिंग करते हुए तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता युक्त तरीके से पूर्ण करवाया जाना और सुनिश्चित करने का निर्देशित किया है। तो मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में बालोद में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर नगर पंचायत डोंडीलोहरा में मानव धर्म के परिता, शांति और सद्भावना के अग्रदूत सतपाल महाराज के विभिन्न जगह से पधारे हुए साध्वी गण के सानिध्य में समिति के कार्यकर्ताओं और मानव सेवा दल के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। मिशन मेडिसिन के तहत जरूरतमंदों को निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, परीक्षण और दवाइयों का वितरण किया गया। जबलपुर से पधारे साध्वी जी ने समझाया कि संसार में सत्य केवल हरि का भजन है और सारा संसार सपने के समान है। मानवथान सेवा समिति आध्यात्मिक प्रचार करते हैं और जीवन के अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मनुष्य शिक्षित नहीं होगा तो उसका विकास नहीं होगा, और भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास होना भी बहुत ज़रूरी है।
तो श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से हम लोग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। उस ज्ञान के प्रचार के साथ साथ जब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समन्वय करते हुए चलेंगे तो जीवन सुचारू रूप से और बहुत सुंदर ढंग से और जीवन जीने का जो लक्ष्य है, जीवन का जो असली उद्देश्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते। और ये 2 दिवसीय सत्संग समारोह में अध्यात्म चर्चा होगी, पूरे धर्म शास्त्र के निचोड़ जो है और उसके आधार पर ये यहाँ चर्चा होगी। और काफ़ी संख्या के लोग आए हैं वो ज्ञान की चर्चा श्रवण करने के लिए, अपने जीवन में लाभ उठाने के लिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने से पहले हम मानव हैं और मानवता का धर्म है अपने आप को जानना है। सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी मानव मात्र के हृदय में वो सत्य का रियलाइजेशन कराते हैं और हमारी जैसे साधुओं के जरिए हम इस सत्संग समारोह में आकर के मानव उत्थान सभा समिति के जो उद्देश्य है कि मानवता को एकता। तो बिलाईगढ़ के गधाभाटा गांव के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही भटगांव थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए बिलाईगढ़ भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक को इस क्षेत्र में 1-2 दिन पहले ही घूमते हुए देखा गया था। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं था और एक विक्षिप्त प्राणी था। बहरहाल मृतक कहाँ का है और कौन है, कैसी इनकी मौत हुई है, जिनकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि भटगांव पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कुछ दिन पहले ही पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी और धरना प्रदर्शन स्थल को स्थानांतरित किए जाने को लेकर जेल भरो आंदोलन किया। बीजेपी के इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने बिखरा हुआ बताया। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए गलत आंकड़े भी प्रस्तुत कर रही है। हर जिले में 5,000 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी देने की बात कही गई थी, लेकिन अंततः यह सामने आया कि केवल 9,557 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि यही है भारतीय जनता पार्टी की आंदोलन की सच्चाई। वहीं कांग्रेस के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता का अहंकार सर्प चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं उन्होंने भी ये भी कहा कि इस आंदोलन में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जेल भरो आंदोलन पूरी तरीके से विफल हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी विफलता को छुपाने के लिए गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। पहले तो उनके द्वारा दावा किया गया था कि हर जिले में 5,000 गिरफ्तारी दी जाएगी। इस हिसाब से लगभग उन्हें पूरे प्रदेश में 1.5 लाख के ऊपर गिरफ्तारी देना था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हमने 70,000 गिरफ्तारियाँ दी। लेकिन जब आंकड़े निकल के सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने मुश्किल से 9,197 लोगों की गिरफ्तारियां दी। ये है भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की सच्चाई, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद अपने आप को दूर रखे हुए थे। इसीलिए भाजपा का आंदोलन बुरी तरीके से विफल साबित हुआ और भाजपा के नेताओं को गलत आंकड़े जारी करके वाहवाही लेने की कोशिश करनी पड़ी। जो भी सही आंकड़े सामने आने के बाद भाजपा की पोल खुल गई। सत्ता का अहंकार इस सरकार के सर चढ़कर बोल रहा है। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन किया है, जो इन्होंने रोलेट एक्ट जैसा नियम लगाया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया उसको लेकर ये डरे हुए हैं, काफी ज्यादा खौफ जदा है। और कल सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता का भी हमको साथ मिला। ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है और जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, इनके अहंकार को और सत्ता के मद को प्रदर्शित करता है। वास्तव में सरकार इस चीज को भूल चुकी है कि प्रदेश में भय और आतंक का यहाँ पर साम्राज्य नहीं चलेगा। भय और आतंक के बल पे आप आम जनता के गला को, उनकी आवाज को नहीं दबा सकते। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सकारात्मक भूमिका में है। इस लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे और अब आम जनता के आवाज को, उनके दर्द को, उनके हक को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े।
तो धरना, जुलूस, रैली, भूख हड़ताल जैसी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी कलेक्टर एसपी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी सार्वजनिक आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम अब जिला प्रशासन के बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जांजगीर जिले के भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए इस आदेश को लेकर सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया। ने जो आदेश कार्यक्रमों को लेकर, धरना प्रदर्शन को लेकर, शादी ब्याह के मांगलिक कार्यक्रम को लेकर के जो अलोकतांत्रिक आदेश दिया है, उस प्रकार का आदेश तो अंग्रेजों ने अपने शासन काल में भी नहीं दिया था। हम उसका घोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं, मैं आप सबके माध्यम से मांग करता हूँ कि आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी इस आदेश को एक बार पढ़ें और अपनी राय व्यक्त करें। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर क्या कहना चाहते हैं, और हम लोग तो आज उसकी प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाए हैं और उसका विरोध करते हुए आज ज्ञापन दिए हैं और यहां पर अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। भाजपा की तरफ से आज जेल भरो आंदोलन की सूचना मिली थी, इस संबंध में इनके द्वारा रैली कचहरी चौक से प्रारंभ की गई थी, जिन्हें यहाँ पर हम रोक लिए हैं और यहाँ पर लगभग इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, गिरफ्तारी अभी जारी है, लगभग 250 से 300 की संख्या है अभी, और गिरफ्तारी पूर्ण होने के बाद ही एक्चुअल संख्या बताई जाती। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।